वेलकम टू नैतिक एकेडमी। चलो तो फिर आज देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम। अभी क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन के हर प्रॉब्लम में आपको मार्क्स मिल जाते हैं, बट एग्जैक्ट मार्क्स आपके कहा जाते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम है। एक तो वर्ड प्रॉब्लम आप समझ नहीं सकते, नहीं तो समझा बट वो सॉल्व नहीं कर सकते आप। सो इजी तरीका, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसका इजी से इजी तरीका आज हम सीखने वाले, ठीक है। चलो पहले तो हम ये वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे क्या है। वर्ड प्रॉब्लम पहले देखा है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। अगर ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम देखा तो समझ में नहीं आएगा, बट इसको अलग 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 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। चलो सो पहला पार्ट है, दिया क्या है, दो नंबर्स है जो एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, तो हमने कंसिडर कर लिया। देखो अभी लेट ग्रेटर नंबर एक्स है, स्मॉलर नंबर वाई है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अभी फर्स्ट कंडीशन क्या दी है हम देखेंगे। चलो बेटा अभी पहली कंडीशन तो क्या है, सीधी दी वाली है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, दो नंबर्स का डिफरेंस 3 है, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन 3 है, दो नंबर का माइनस 3 है। चलो अभी दिया है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्या किया है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, दो नंबर्स का डिफरेंस 3 है, ये हो गया फर्स्ट। अभी सेकेंड, द सम ऑफ, अभी सम दिया है, चलो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है, द सम ऑफ, सम ऑफ मतलब एडिशन है, ट्वाइस द स्मॉलर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। अभी क्या लिखा है देखो आपके सामने है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ये हो गए दो इक्वेशन। अभी आपको इजी तरीका तो आपको पता है, अभी इसके बाद में क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। आपके पास दो इक्वेशन है, देखो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, दो इक्वेशन तो आपके सामने है। अभी इसको लीनियर इक्वेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और साइन डिफरेंट होनी चाहिए। अभी देखो कोएफिशिएंट इधर क्या है, 3 है, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 2 है, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये सेम तो नहीं है, तो पहले कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। अगर ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया है, क्योंकि इधर कोएफिशिएंट 1 है और इधर x का कोएफिशिएंट 3 है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x आ जाएगा, मगर इधर करना है तो ऑल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो सो फिर न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, 3x, 3 इंटू x, 3x होगा, 3 इंटू y माइनस 3y हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ये हो गया न्यू इक्वेशन फॉर्म, ये इक्वेशन तो एज इट इज आ गया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। क्या किया है देखो, अब मैंने कोएफिशिएंट सेम लाने के लिए x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, x का कोएफिशिएंट 3 था तो मैंने 3 से ऑल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे x का कोएफिशिएंट सेम मिलता है। फिर देखो 3 आ गया। अभी मैं क्या करूंगी, साइन डिफरेंट चाहिए इसलिए सबके साइन चेंज करूंगी, सिर्फ नीचे वाले नंबर के, ये माइनस 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 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, हर बार माइनस माइनस नहीं आएगा, जहां जो साइन दिया है उसका अपोजिट साइन नीचे आ जाता है, इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ये माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। चलो अभी ये सीधा लाइन खींचेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाता है। अभी माइनस माइनस ये साइन नहीं देखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 5y हो जाएगा, बड़े का साइन माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू, ये बड़े का साइन मतलब 3 का साइन, क्योंकि 3 यानी 2, ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3 है, 3 का साइन माइनस है इसलिए माइनस दे दिया, माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 19 में से 9 गया 10 आ गया, बड़े का साइन मतलब 19 का साइन क्या है, माइनस। अभी देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल टू 10 है, ये 5 इधर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वाई चाहिए, सो 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। चलो डिवाइड हो गया, 5 × 10 वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद क्या करना है, सब्स्टिट्यूट,
सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. क्या करें? सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, आपकी मर्जी. में 1 में पुट कर रहे हो. चलो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. अभी y की वैल्यू 2 है तो y की जगह 2 रखेंगे. माइनस 3 y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 9. सो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 9. 3x इज इक्वल टू 9. अभी ये माइनस 6 से उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा. 9 के प्लस 6 9 10 11 12 13 14 15. ओके सो x इज इक्वल टू 15. अभी ये मल्टीप्लाई बाय 3 है, उधर डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड बाय 3 देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 5 सो 15. चलो 5 आ गया, y 2 आ गया आपके सामने. अभी इधर क्या क्या, सिर्फ y की वैल्यू 2 लिखी है. 3 2 सा 6, फिर 9 में से प्लस 6 हो गया 15. ये मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो गया. x की वैल्यू आपको 5 मिल गई. अभी इससे पता चल रहा है हमने ये x और y एग्जैक्ट है क्या. एग्जैक्ट है ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर. चलो सो देन देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर नंबर क्या क्या है, x तो 5 है एंड स्मॉलर नंबर इज 2. हो गया. अभी इतना सिंपल रहता है वर्ड प्रॉब्लम, पर आप कैसे देखते हैं उसको हार्ड से हार्ड करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, सिर्फ पार्ट में डिवाइड करो, आपको इजी तरीके से आंसर मिल जाएगा. क्या किया है, सिर्फ कंडीशन लिखी है. जो कंडीशन दी थी उसको हमने, ये लीनियर इक्वेशन है, ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में आपको, पहले वीडियो में आपको बताया था ये कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये सॉल्व करने का तरीका वही है, सिर्फ प्रॉब्लम कहा जाता है ये दो इक्वेशन. अगर ये दो इक्वेशन आपके राइट आए तो ये आपका ये आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा. ओके चलो, ये आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ. अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलना, ठीक है. और आपको अगर नैतिक एकेडमी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उधर आपको जाना है, एक फॉर्म है वो फिलअप करना है. 24 आवर्स में आपको कॉल आ जाएगा और आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है. अभी भी कुछ बच्चे हैं ज्वाइन नैतिक एकेडमी, आपको भी करना है तो आप भी कर सकते हैं. ओके थैंक यू.